रेगुलर क्लासेस होंगी और हम पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th of March के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द टारगेटेड बेनिफिशरीज ऑफ UPI 123 पे फैसिलिटी रिसेंटली लॉन्च बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो UPI 123 पे की फैसिलिटी जारी की है, उसके टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है, मतलब किन लोगों के लिए ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है। आंसर है फीचर फोन यूजर्स, ठीक है। और इसके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है डीजी साथी। तो ये जो फैसिलिटी है UPI 123 पे की, ये कस्टमर्स को अलाउ करेगी कि वो हर तरह का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक्सेप्ट स्कैन एंड पे, ठीक है। मतलब ये फैसिलिटी सिर्फ इसमें नहीं रहेगी, साथ ही साथ एक बहुत खास बात क्या है इसकी, कि इसमें किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है ट्रांजेक्शन करने के लिए, फाइन। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड है तो रिवाइज करना जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा था कि HDFC बैंक को कुछ दिनों पहले बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया का खिताब मिला था, कहाँ पे, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इस बैंक का, मुंबई में, और अभी प्रेजेंट में इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि RBI ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन दो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स का कैंसिल कर दिया था, किसका, मुथूट व्हीकल एंड असेट फिनेंस लिमिटेड, और सेकंड है इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्या रीजन था, क्योंकि ये नॉन कंप्लायंट पाए गए थे विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि RBI ने कुछ दिनों पहले लाइसेंस कैंसिल किया था इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नासिक का, ठीक है। और रीजन क्या था, कि बैंक के पास सफिशियंट अमाउंट नहीं था, इनके पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं था, इसका मतलब ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। इसके अलावा RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं इंडियन मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर, जिसके अंदर अब ये भी एक लिमिटेशन है कि 1 लाख रुपए के ऊपर ये लेन देन नहीं कर सकते हैं विदाउट RBI के अप्रूवल के, ठीक है। तो अब इनको किसी भी तरह का अगर लोन या फिर एडवांस ग्रांट करना है या फिर कुछ भी करना है, तो इनको इसके पहले RBI से अप्रूवल लेना मस्ट है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है RBI ने इस बैंक के ऊपर, ये 6 महीने तक रहने वाली है या फिर जब तक आगे फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते हैं तब तक के लिए रहेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के अलावा हमने देखा था कि 14 से लेकर 18 फरवरी तक RBI ने सेलिब्रेट किया था अपना फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ताकि जो फाइनेंशियल एजुकेशनल मैसेज होते हैं उनको प्रमोट किया जाए। और इस साल की थीम क्या थी, आपको ये कमेंट्स में बताना है।